Hey, what's up guys, मैं आशुतोष दुबे सक्सेस जी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको वो एक बहुत ही अलग लेसन देने वाला हूँ। असल में मैं लेसन नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे बीच जो मेहमान हैं ये आपको कुछ लेसन्स देंगे जीवन में सफल कैसे होना है उस पर। हमारे देश में जब भी मैनेजमेंट गुरुओं की बात आती है तो हम शुरू से चलते हैं, तो जिसमें भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, आचार्य विष्णुगुप्त, चाणक्य, या मॉडर्न एरा में देखा जाए तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसी महान हस्तियों की बात होती है। पर क्या आपने कभी कुटिलता, षड्यंत्र या ऐसी ही डर्टी गेम से सफल होने के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी ऐसे लेसन्स देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो आज का लेसन आपके बहुत काम का है, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जो कि मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु हैं और आपको ये कुटिलता से सफल होना सिखाएंगे। ये और कोई नहीं बल्कि हमारे सबके प्यारे मामा शकुनी ही हैं। अरे प्रणाम मामा जी। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं? अरे देखो भांजे जी, हम क्या बताएं, हमारी बीवी ने हमको इतना परेशान किया। बीवी से आप भी परेशान हैं? हाँ, मैंने अपना पूरा जीवन बीवी से परेशान होकर हस्तिनापुर में बिता दिया। अरे जब मेरा बेटा पैदा हुआ, बोलती है ये तो बाप पे गया है। अच्छा, तुम तो खुशी की बात हुई। अरे मैं और ज्यादा परेशान था। क्यों? उसका नामकरण उल्लू दिया। आपकी वाइफ ने आपके बेटे का नाम सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आप पर गया था, तो उसका नाम उल्लू रख दिया। हाँ। उल्लू। और इससे पहले वो मेरा नामकरण कोई गधा खच्चर रखती मैं इससे पहले वहां से निकल गया और अपना पूरा जीवन हसनापुर पे बिताया। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं आपकी, तो हम आपकी व्यक्तिगत कहानी पर फिर कभी ध्यान देंगे। इस बार हम ये चाहते हैं, आपसे निवेदन है जी, जीवन का सत्य ये है जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमेशा एथिकल और मॉरल वैल्यूज से सफलता नहीं पाई जा सकती, वो बातें केवल आप सिखा सकते हैं। तो क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा सिखाने का, ऐसा कुछ ज्ञान देने का कष्ट करेंगे? देखो भांजे, मैं वही सिखा सकता हूँ जो मैंने किया और मैंने सीखा और मैंने जाना। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? अपनी शैली से बताइए, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए बहुत आवश्यक हैं? मैं बस यही बोलना चाहता हूँ। पहला, झूठ बोलना। झूठ बोलना? हाँ जी। लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरा कहना है भांजे झूठ बोलना बहुत जरूरी है। झूठ बोलने का फायदा है, बड़ा बिजनेसमैन ले लो, कहीं ना कहीं अगर वो बढ़ा है तो कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लिया है भांजे। और झूठ बोलना कोई गलत बात नहीं है, बस उस झूठ को सही तरीके में बोला जाए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए बोला जाए तो झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। क्योंकि आप अपने मंजिल को बढ़ने के लिए झूठ बोलते हो तो झूठ बोलना सही है। अच्छा ये बताइए, यदि उस झूठ से किसी बेगुनाह व्यक्ति का नुकसान होता हो तो क्या ऐसा झूठ बोलना नहीं, फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का नुकसान होता है तो आप वहां पर झूठ न बोलो, लेकिन आपको अपनी मंजिल पर बढ़ने के लिए भांजे झूठ बोलना पाप नहीं है, भांजे पाप नहीं है। ठीक है, झूठ बोलना तो मैं समझ गया कि झूठ उस हद तक बोलिए जिस हद तक आपका फायदा हो और किसी बेगुनाह का नुकसान ना हो, ऐसा झूठ हमेशा आपको फायदा देगा। अब इसके बाद कोई दूसरा लेसन? दूसरा, एग्जेजरेशन। बापरे, इंग्लिश? हाँ भांजे, मैं 5300 साल का हूँ, मुझे हर भाषा आती है भांजे। एग्जेजरेशन यानी? मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। आज के जमाने में मैं भांजे बताना चाहता हूँ, अगर तुम अपने को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते हो, मान लो सिंपल उदाहरण, कोई प्रोडक्ट है, आज के जमाने में कोई प्रोडक्ट है, जब तक कोई हीरो उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन उस ब्रांड का प्रचार ना करे, बढ़ा चढ़ा के प्रचार ना करे, तो आपको विश्वास नहीं होगा। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं जब तक कि किसी प्रोडक्ट कोई कोई बड़ी सेलिब्रिटी एंडोर्स ना करे जी, उसकी मार्केटिंग उसके एड में ना आकर के कहे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तब तक हम उसे ब्रांड नहीं मानते हैं। उस प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए उसे बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। भांजे तुम्हें एक और अच्छा उदाहरण देता हूँ जी, देखोगे टीवी पे रिन नाम का साबुन आता है। हाँ। जो कपड़े को सफेद चमका देता है, लेकिन वो सफेद नहीं होता, बल्ब जैसे चमकने लगता है, बल्ब जैसे एलईडी जैसे चमकता है आज के जमाने में। हाँ। मेरे जमाने पे नहीं था। हाँ। लेकिन वो सफेद चमका देता है। हाँ। तो क्या सही है? नहीं, लेकिन उसमें एक हीरोइन
चढ़ा बढ़ा के बताती है तो हमारे गांव के लोग जो भी समाज है उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए फंडा यही है भांजे कि लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, अपने आप को मजबूत बनाना है तो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने पेश करना होगा। मतलब सफलता के लिए चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना, चाहे वो कोई नेगेटिव बात हो चाहे वो कोई पॉजिटिव बात हो। एग्जेजरेशन बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। जी जी जी। इससे पहले कि हम आपसे और कुछ नए लेसन्स पूछें, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से दरख्वास्त करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को यानी सक्सेस जी और कॉमेडियन उत्तम केवट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए। हर हफ्ते ऐसे नए मज़ेदार और इंटरेस्टिंग जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे दोनों चैनल्स प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, अपने कीमती फीडबैक कमेंट्स के रूप में हमें ज़रूर दीजिए। देंगे भांजे, देंगे कमेंट, देंगे ये लोग जी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले लेसन की ओर। अब इसके बाद आप क्या बताएंगे? बस भांजे, बस इतना ही बोलूँगा कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हारने वाले को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में भांजे, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। सही बात भांजे, आदमी को ऐसे लोगों के साथ संगत करना चाहिए जो पावरफुल होना चाहिए। तुम्हें पता है भांजे कौरवों पांडवों में कौन जीता था? पांडवों की सेना जीती थी। क्यों जीती थी? उनके पास भगवान श्री कृष्ण थे, पावरफुल आदमी थे जो दुनिया को अपनी तरफ खींचते थे। इसी प्रकार हमारे जीवन में हमें ऐसे लोगों की संगत करना चाहिए जो जुझारू हो, जो मुश्किलों से लड़ना जानता हो, जो अंधेरे में रोशनी ढूंढना जानता हो। ऐसे लोगों की संगत करें जी, मतलब बीइंग इन कंपनी ऑफ पावरफुल एंड सक्सेसफुल। आपका लेसन है कि ऐसे लोगों की संगत करो जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो जूझना जानते हैं, जीतना जानते हैं। ऐसे लोगों की संगत में हमें नहीं रहना चाहिए जो नकारात्मक सोच नहीं रखते। जो नकारात्मक सोच रखते हैं, जो नकारात्मक बोलते हैं, उनको आप मेरा कहना मानिए, लात मार दीजिए उनको अपनी ज़िंदगी से भांजे, क्योंकि ऐसे लोग ना तो खुद बढ़ते हैं ना तो आपको बढ़ने देते हैं। आज से हम सभी लोग ऐसे लोगों की संगत करेंगे जो मुश्किलों से अपनी गाड़ी को निकाल करके सफलता की ओर बढ़ना जानते हैं, ना कि ऐसे लोगों की संगत में जो नेगेटिव सोच रखते हैं, जो बार बार सोचते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, हार गए तो क्या हुआ, पैसा डूब गया तो क्या होगा। ऐसी चिंता करने वाले लोग कभी सफल नहीं होते, रिस्क लेने वाले ही सफल होते हैं। जो जुझारू होता है, ईमानदार होता है, मेहनती होता है, हर वक्त अपने को पॉजिटिव रखता है, वो सब दिन सफलता की चाबी ढूंढता है। वाह मामा जी, बड़ा निराला तरीका है आपका लोगों को सिखाने का। मतलब आप ऐसी बातें सिखा रहे हैं जो वैसे तो डर्टी गेम्स या थोड़ी कुटिलता भरी हैं, लेकिन इनमें किसी का नुकसान नहीं है, हर व्यक्ति का फायदा है। अगर ये तरीके कोई अपने अंदर अपना ले तो उन्हें बहुत फायदा हो सकता है। हाँ भांजे, तो इसी कड़ी में अगला लेसन आपका क्या है? अगला अगर आप देखा जाए तो आदमी को स्वार्थी होना चाहिए जी, स्वार्थी, सेल्फिश, स्वयं को जीने वाले को लोग कहते हैं स्वार्थी है जी। लेकिन अगर तुम्हारा अपने को आगे बढ़ने के लिए कोई काम करते हो तो लोग कहते हैं अगर तुम स्वार्थी हो, स्वार्थी होना चाहिए। कोई माँ बाप क्या स्वार्थी हो सकते हैं? नहीं। अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए देख के खुश होते हैं तो क्या माँ बाप स्वार्थी नहीं है? माँ बाप की खुशी हो रही ना बच्चों को देख के। मतलब बच्चे जब सफल होते हैं तो माँ बाप इसलिए उन्हें सफल देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें खुश देख करके माँ बाप को भी खुशी होती है। यानी कहीं ना कहीं बच्चों की सफलता में माँ बाप का भी स्वार्थ छिपा है। क्या इसी प्रकार भांजे, आदमी को अपने जीवन में ऊंचा उठने के लिए, भविष्य को नया मुकाम पहुंचाने के लिए अगर आप स्वार्थ लेते हो तो सही है, लेकिन अगर आपके स्वार्थ से किसी गरीब का नुकसान होता है, आप किसी का पॉकेट छीन लेते हो, उसका समय बर्बाद हो जाता है या अपने जीवन में असफल हो जाता है आपके स्वार्थ के कारण, तो फिर वो गलत है भांजे। मतलब स्वार्थी होना भी सही है पर केवल एक लेवल तक, उस लेवल तक जहां किसी बेचारे का नुकसान ना हो। बहुत बढ़िया भांजे, एक बात में तुम समझ गए भांजे। वाह, चार लेसन आपने इतने मजेदार तरीके से बताए कि आनंद आ गया। अब पांचवा लेसन भी जल्दी से बता दीजिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पांचवा लेसन है भांजे बार्गेन। अच्छा, यानी मोल भाव। मोल भाव,
हमें अपने जीवन में मोल भाव करना चाहिए। अगर आप बाजार में कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका मोल भाव करिए। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो सैलरी का मोल भाव करिए। अच्छा, यानी जब हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो हम सैलरी के लिए डिस्कस करते हैं कि कितनी सैलरी होगी बॉस से, तो उसमें मोल भाव करें, क्योंकि कम में मान जाएंगे तो इसमें बॉस का फायदा है, हमारा नुकसान है, तो हम जितना ज्यादा उसे मोल भाव करेंगे आगे उतना ही बढ़ेंगे। मोल भाव वही व्यक्ति करता है जो सफल होता है। भांजे, जितना बचाओगे उतना बनाओगे। जितना बचाओगे उतना बनाओगे, यानी हम मोल भाव करके अपने लाइफ में जितना बचा सकते हैं, जितना पैसा बचा सकते हैं, उतना हम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उतना बना सकते हैं। अगर हम बिजनेस डील कर रहे हैं तो उस पर हम अपना फायदा ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि हम अपना पैसा बचा सकें, बना सकें। आपने कहा कि जितना बचाओगे उतना बनाओगे। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो मोल भाव करते हैं। उदाहरण के तौर पर, वो हमारा दो कान वाला यंत्र निकालो, मैं बताता हूँ। अच्छा, हाँ, दो कान यंत्र। हाँ, मान लो भांजे, मैंने इस चीज को किसी दुकान से खरीदा। ये आपका है? हाँ, ये मेरा, मैं लगाता हूँ इस तरह, गाना सुनता हूँ मैं इससे। अरे वाह वाह, ये तो मॉडर्न जमाने के गाने सुनते हैं। हाँ, मैंने एमबीए किया था। अच्छा, एमबीए रामकृष्ण कॉलेज से एमबीए किया था। जी जी। मैं किसी दुकान पे गया, मैंने इसको खरीदा 1000 रुपए में, मोल भाव कर कर। मोल भाव, सफल व्यक्ति बनना ना। लेकिन वहीं पर मेरा एक साथी गया, उसको 2000 में दिया। कारण क्या था? उसने मोल भाव नहीं किया। हाँ। तो बताओ भांजे, सफल कौन हुआ? आप सफल हुए, आपने 1000 रुपए बचा लिया था। अगर उस दुकानदार ने आपको ये चीज 1000 में बेची, हाँ भांजे, तो उसमें भी उसने अपना फायदा बनाया होगा, उसने अपने नुकसान में तो नहीं बेचा होगा। तो उसे 1000 बेचने में भी फायदा था और 2000 बेचने में अधिक फायदा था, पर उसने उस बेचारे साथी को आपके ठग लिया, क्योंकि उस मोल भाव करना नहीं जानता। इसलिए जिंदगी में सफल होना है तो मोल भाव करना सीख जाइए। कैसे लगे आपको ये 5 लेसन्स हमारे मामा शकुनी की तरफ से? और ये मामा शकुनी और कोई नहीं, हम सब के चहेते यूट्यूब के बहुत ही जाने माने चेहरे कॉमेडियन उत्तम केवट हैं। इनके चैनल में 3,25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ही पसंद किया जाता है इनका वर्क। इन्होंने एक नई सीरीज़ गटारू लाल करके भी निकाली है, जो बहुत ही मज़ेदार है, उसे देखना मत भूलिएगा। कॉमेडियन उत्तम केवट चैनल पर ज़रूर जाइए, उसे लाइक करिए, उसे सब्सक्राइब करिए, और सक्सेस जी को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हमारे आशुतोष सर हैं, और सर ने, सर का ये आइडिया था कि हम लोग मोटिवेशन दें, और बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ काम करके। बस इतना ही कहेंगे कि सर के चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, और सक्सेस जी को आगे बढ़ाइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही नए नए क्रिएशंस और भविष्य में हम दिखा सकें जी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।